तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीना, आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल। तो आपको आज देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं फिर से मेरे फ्रेंड की शादी में आई हुई हूँ। तो आप मेरी वीडियो में बनिए, मैं आपको दिखाऊंगी। हम बारात भी जाने वाले हैं, तो क्या क्या किए या कैसे किए आपको सारा अपडेट दूंगी। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, बिना स्किप कीजिए मेरा वीडियो देखिए, और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये मंडप है वहाँ का, जहाँ पे उसका तेल हल्दी जो भी पूजा होता है वो सब यहाँ पे हो रहा था। बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, जो भी डेकोरेट वाले भैया लोग हैं उन्होंने। और यहाँ पे पूरा दिया विया जो भी दिया लगाते हैं, और जो जो भी सिस्टम होता है ना शादी का, वो वहाँ हो रहा था। ये जस्ट फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर में पूरा खाने का पूरा सिस्टम बना हुआ था। और ये गाँव एरिया था, और लॉकडाउन की वजह से ना बहुत ही कम मेम्बर थे, बहुत ही कम थे, तो उसकी वजह से ना ज़्यादा हौच पौच नहीं था किसी भी चीज़ का। और छत में ही सारा हो गया था, तो फिर वही हम छत गए थे, छत में ही पूरा लगा हुआ था सारा खाने का सिस्टम। चावल था, दाल था, और लौकी की सब्ज़ी और टमाटर चटनी थी, सैलड भी थी साथ में, तो हम लोग सब खा रहे थे। और ये है हमारे दूल्हे राजा का मेहंदी, जिसको एक हाथ में नेहा, मेरी फ्रेंड नेहा लगाई थी, और एक हाथ में वो खुद लगाया था। मल्टी टैलेंटेड बंदा है, सब कुछ आता है उसको, तो बेचारा खुद ही लगा लिया था एक हाथ में, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब ये मैं चली गई खाने में, तो खाने के लिए मैं तो खाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। तो बस फिर निकाल रही थी मैं, फिर एक साथ सब हम खाएंगे। तो बस ये नेहा पकड़ी हुई थी, और थोड़ा सा वीडियोग्राफी चल रहा था उसका, फिर हम सब साथ में बैठ के खा रहे थे। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा कि मैं कब क्या बोल रही हूँ, क्या सीन चल रहा है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये है दूल्हे राजा, जिसको उसके फ्रेंड लोग तैयार कर रहे थे, ऐसा मेरे भी फ्रेंड हैं, तो ये उन लोग को लोग तैयार कर रहे थे इसको, सारे अभी बारात जाने वाला था। तो आप देखिएगा कैसे निकलते हैं, और वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तैयार होने के बाद फिर उसको निकालने के लिए पूरा तैयार हो गए थे सब कोई, तो हम लोग भी तैयार हो गए। हम लोग को बारात जाना था, तो बस थोड़ा सा मैं भी फ़ोटो वोटो खिंचवा ले रही थी। तो ये है योगेश, आप देख रहे हैं मेरा फ्रेंड जिसका शादी हो रहा है, उसके जीजा जी उसको लेके जा रहे हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में ढेड़ा बोलते हैं। तो बस वही जा रहे थे उसको पकड़ के, अब उसको वहाँ पर चेयर में बैठाएंगे, और जो जो भी पूजा करना रहता है वो सारा पूजा भी होगा।
ये योगेश की मम्मी हैं और बाकी उनकी चाची भाभी लोग हैं। इसको सबसे पहले माँ करती हैं ऐसा पूजा। ये जो पूजा हो रहा है उसको पकड़ के उसमें दिया रहता है सिर में पकड़ के, कांसा का पकड़ी हुई है, उसमें एक लोटा टाइप का रहता है जो मिट्टी का रहता है, और उसको फिर उसमें दिया करके इसको 7 बार इसे राउंड करना रहता है। राउंड करने के बाद फिर उसको पान के पत्ते में गाल में उसको सेका जाता है। वो रूल रहता है हिंदू समाज का। आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा।
पूजा ख़त्म हो गया इसका। अब उसके बाद इसको अभी यहाँ पे इसके जीजा जी जो है उनको गाड़ी में लेके, जो गाड़ी में जा रहा है बारात, वो गाड़ी में लेकर के जाएंगे गांव के जो मंदिर होते हैं ना वहाँ पे मत्था टेकने के लिए जाते हैं। जो भी शादी होता है उसके बाद, शादी के बाद काल सेकने का जो कार्यक्रम होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जब जाना रहता है दुल्हन के यहाँ, उससे पहले मंदिर जाते हैं, हर कोई जाता है ये। तो बस इसको मंदिर लेके जा रहे हैं। उसका गाड़ी का जो कार का डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छा हुआ था। अब ये निकल गया है जाने के लिए। हम लोग अलग से, हमारे फ्रेंड जो हैं वो लोग कार लेके आए थे, हम लोग उनके साथ अलग से गए हुए थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसके दीदी जीजा जी बैठे हुए थे, क्योंकि उनको जाना तो ज़रूरी था। फिर लगभग ये समथिंग 4 बजे का टाइम था जो हम निकले थे। फिर ये हम निकल गए पुसौर साइड, जहाँ पे भाभी का गांव है, बारात के लिए। तो हम अपने फ्रेंड के साथ गए थे। तो आइए, अब आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।